चूरू में आज प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगाए गए शिविरों के मौके पर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। यहां विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे होने से लोगों को समस्याओं के समाधान आसानी से मिल गए। इस दौरान जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, सभापति पायल सैनी और कमिश्नर अभिलाषा सिंह सहित जन प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। रैलियां जा रहा है, इसी श्रृंखला में चूरू नगर परिषद भी अपने पूरे संसाधनों के साथ में मुस्तैद है। सभी चूरू वासियों को जो भी लंबे समय से अपने पट्टों का इंतजार कर रहे हैं या छोटी छोटी जो भी समस्याएं एक व्यक्ति के सामने नगर पालिका को लेकर आती है, चाहे वो जन्म मृत्यु हो, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट हो और चाहे वो एनुलम से जुड़ी हुई हो, पेंशन से संबंधित हो या अन्य कोई भी जो समस्याएं हैं जिसके लिए उसे काफी देर तक उसे इंतजार करना पड़ता है या लाइनों में लगना पड़ता है, उन सब के समाधान के लिए आज ये एक तरीके का पैकेज है जिसके तहत चूरू नगर परिषद के सभी कर्मचारी जो हैं वो उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और मौके पर ही समस्याओं का समाधान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक चलने वाला है। बीच में 15 दिन का गैप, 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक गवर्नमेंट ने एक गैप रखा है जिसमें मंथन होगा कि क्या क्या कमियाँ इसमें रह गई हैं सरलीकरण में और क्या क्या और सरलीकरण किया जाना है। अभी जो निर्देश आए हैं उसमें रेट्स को लेके, दस्तावेजों को लेके और जो कट ऑफ डेट थी उनको लेके कई तरह का सरलीकरण किया गया है और जनता को लाभ मिल रहा है। जैसे आज हम 100 पट्टों का वितरण कर रहे हैं।